तो ये नारियल और गुड़ देकर मम्मी बनाया है स्टफिंग। और यहाँ पर ये जो चावल का गूड़ा है इसको गुड़ से, हाँ ये गुड़ से कुछ क्या करके घोल करके रख दिया है। और यहाँ पर भी है, तो एक बनेगा ये साइड बनेगा पाटी चपटा और ये बनेगा मालपुआ। तो और ये एक्स्ट्रा सा चालू का जो गुड़ा है ये एक्स्ट्रा सा रख दिया है मम्मी, अगर जरूरत होगा इसमें और इसमें अगर होने से बनाने का टाइम जरूरत होने से तब ऐड कर दे। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और मैं बहुत दिनों के बाद में कैमरे का सामने में आई हूँ। आई थिंक बहुत दिन हो गया, लास्ट में कब की हूँ मुझे खुद को याद नहीं है। इतना बिजी हो गई हूँ मैं, इतना उलझी हुई हूँ जो मुझे टाइम ही नहीं मिला है। तो फाइनली मुझे यार 2 दिन पहले मुझे थोड़ा सा मैं फ्री हुई हूँ। तो फ्री होने के बाद बाहर का काम से मैं फ्री हुई हूँ, पर घर का हालत बहुत खराब है मेरा। तो वो 2 दिन से मैं घर क्लीन करने में लग गई हूँ। तो क्लीन करने में लगी, इसके लिए मैं ब्लॉग ब्लॉग नहीं की हूँ। तो मैं सोची हूँ थोड़ा मैं काम से थोड़ा हल्का हो जाती हूँ, उसका बाद मैं फिर से स्टार्ट करूंगी ब्लॉग। तो मैं मकर संक्रांति में भी मैं ब्लॉग नहीं की हूँ, जी हाँ। सोची थी कि करूंगी बोलकर। तो हम लोग इस बार सोची हूँ, तो हम लोग बंगाली है तो हम लोग मतलब पिठा पोली तो हम लोग का ऑब्वियसली बनता है मकर संक्रांति में। तो इस बार हम लोग सोच रहे हैं, किसी को टाइम नहीं है, मम्मी को भी टाइम नहीं है, मेरा भी टाइम नहीं था, क्लास करने के लिए जाना पड़ा मुझे। तब भी मेरा मतलब क्लास में नहीं जाने से नहीं होता ऐसा मैं मतलब फंस गई हूँ। क्लास करना इम्पोर्टेंस था मेरा, वही इसके लिए मैं मम्मी तो सोच रही थी इस बार मैं हम लोग का घर में कुछ भी मकर संक्रांति का कुछ भी नहीं होगा, पीठा पोली भी नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। तो फाइनली एक दिन पहले 13 तारीख को मम्मी ने थोड़ा थोड़ा चावल भिगो करके मिक्सी में मतलब ग्राइंड करके जो चावल है वो गूरा किया है, उसके बाद से थोड़ा थोड़ा बक करके पीठा बनाया है। तो मैं वो जो भी बनाया है मैं उसका फोटो मैं ऐड कर दूंगी इस ब्लॉग में, आप लोग भी देख सकेंगे क्या क्या बनाया है। तो कुछ ज्यादा कुछ नहीं मैं बता देती हूँ क्या क्या बना। एक बनाया सादा पीठा और उसके साथ तिल और गुड़ का ऐसा मिक्स करके एक क्या बोलोगे जेली टाइप ऐसा कुछ ऐसा बनाता है। तो ये हम लोग का रिचुअल है, ये तो मस्त बनाना है और ये पहले यही खाना है हम लोग का। तो ये बनाया है और पाटी सप्टा, मालपुआ, तिल का लड्डू और कुछ पुली मीठा या नारियल देकर स्टफिंग। तो ये सब बनाया है, ज्यादा कुछ नहीं बनाया, थोड़ा 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 अमाउंट में थोड़ा क्वांटिटी में बनाया है। तो वही और बनाने का बार हम लोग का मतलब एक चीज है बनाने से, कुछ चीज बनाने से सबको, ये मकर संक्रांति में सबको दे करके हम लोग खाते हैं। तो ये तो हम लोग जहाँ पर रहते हैं जिसके घर में रहते हैं उन लोग का घर में हर साल देती हूँ, तो उन लोग का घर में दी हूँ। और जो आस पड़ोस में है सबको दे के जितना सा बच्चा है, थोड़ा सा बच्चा था वो हम लोग है, तभी भी हम लोग का मतलब मैं मतलब किसी में मन नहीं भरा खा करके। तो मम्मी बोला जाए फिर एक दिन बनाऊंगी। तो आज मम्मी कल रात को चावल भिगो करके रख दिया, तो आज दोपहर में खाना खाने के बाद मतलब लंच करने के बाद तो वो मिक्सी में फिर से मतलब गूरा किया, ग्राइंड किया राइस को। तो ये सब प्रिपेयर करके रेडी करके रख दिया है मम्मी। तो मम्मी आकर के रात को आकर के चूल्हा में बनाएगा, गैस में नहीं बनाएगा, लकड़ी से बनाएगा चूल्हा पे, क्योंकि गैस में बनाने से गैस बहुत जाता है और चूल्हा में बनाने से अच्छी तरह से बैठ करके मम्मी बना सकते हैं। और ठंडा का दिन में आग भी सेकना हो जाएगा, तो
शायद मैं भी थोड़ा बनाऊंगी, तो मैं जरूर दिखाऊंगी आप लोग को मम्मी मालपो और पाटी सप्टा कैसे बनाता है, आप लोग को जरूर दिखाऊंगी। तो उसके पहले तो मुझे खाना भी बनाना होगा, दोपहर का थोड़ा है तो और बनाना होगा। तो चलिए आप लोग से बाद में मिलती हूँ। तो अभी मैं आया हूँ किचन में और आज मैं बनाऊंगी चिकन। और चिकन को मैं बॉईल करके रख दी हूँ, तो बॉईल हो चुका है मेरा। तो अभी यहाँ पर ऑयल ली हूँ और ये जीरा और तेज पत्ता, ये तो मस्त मतलब इम्पोर्टेंट है ये देना, तो ये दी हूँ। और प्याज में पहले काट कर रख दी हूँ, मसाला भी पेस्ट करके रख दी हूँ, अदरक लहसुन जीरा धनिया और रेड चिल्ली, ये सब पेस्ट करके मैं रख दी हूँ। और अभी प्याज को थोड़ा ब्राउन थोड़ा करना है हल्का सा, उसके बाद मैं मसाला ऐड कर दूँगी। आज थोड़ा डिफरेंट मैं बनाऊँगी चिकन, और थोड़ा डिफरेंट बनाने का मज़ा मतलब अलग है और इंटरेस्ट भी मतलब अलग है, मतलब अच्छा लगता है कुछ चीज़ मतलब एक ही चीज़ थोड़ा अलग अलग करके बनाने के लिए, बहुत ही मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है एक चीज डिफरेंट तरह से बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं हल्का सा मैं प्याज को फ्राई कर लूँगी, और वहाँ पर मम्मी अभी तक नहीं आया है, भाई आ चुका है तो मेरा लेट भी हो चुका है, और मम्मी आने से हम लोग पीठा बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं मसाला अभी ऐड कर दी हूँ और मसाला को थोड़ा फ्राई करना है। जब तक मसाला अच्छी तरह से फ्राई नहीं हो जाता, इसका स्मेल जो जब तक नहीं आता है तब तक मैं इसको फ्राई करूँगी, और उसका बाद मैं चिकन को दूँगी। और आज चिकन के साथ वैसे मतलब गरम मसाला कभी कभी देती हूँ, तो अभी तो ठंडा का दिन है तो धनिया का पत्ता दे करके कुछ चीज बनाने का वो खाने के टेस्ट ही अलग है, और मतलब उस चीज का टेस्ट अलग ही होता है। तो वही, और किचन चिकन में दे चुकी हूँ और इसको अभी धीमी आंच में मैं फ्राई करूँगी। और उस तरफ दी हूँ गरम पानी, और गरम पानी मतलब मम्मी को चाहिए, क्या करेगा मुझे नहीं पता, कुछ करेगा मम्मी। तो मैं यहाँ पर धनिया का पत्ता भी दे चुकी हूँ, और इसका मेरा चिकन रेडी हो चुका है और मस्त हो ही चुका है एकदम। सिर्फ अभी उतारूंगी, उसका बाद मम्मी के पास जाऊंगी, मम्मी क्या कर रहा है, मम्मी आ चुका है। तो यहाँ पे मम्मी बना रहा है फाइनली मालपुआ, ये रहा मम्मी। और ये एक मतलब पड़ोस में रहते हैं हम लोग के सामने में भैया है, तो हम लोग सब लोग बैठ करके यहाँ पर मम्मी बना रहा है, वो भी मतलब बना रहा है, और मैं यहाँ पर वीडियो शूट कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ। पहले मैं बताई थी मैं बनाऊंगी बोलकर, बाद में मुझे मन नहीं हुआ बनाने के लिए, तो लास्ट में मैं बनाई हूँ थोड़ा सा, शायद 7-8 ऐसे बनाई हूँ, और यहाँ पर बैठ करके उन लोग के साथ में बात कर रही हूँ। दिन भर क्या किया नहीं किया वो सब मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो मालपुआ मम्मी ऐसे बनाया है, इस तरह से बनाया है, गुड़ देकर बनाया है, ऐसे शुगर देकर भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोगों को गुड़ का मतलब पसंद है मालपुआ, तो मम्मी इसके लिए गुड़ से ज्यादातर बनाता है। तो और ये चूल्हा जो देख रहे हैं, ये चूल्हा भी मम्मी ने बनाया है चूल्हा, और हम लोग डिनर कर चुकी हूँ, मालपुआ बनाने के बाद डिनर की हूँ,
और डिनर करने के बाद फिर से आई हूँ यहाँ पर पाटी सेप्टा बनाने के लिए। तो इस तरह से पाटी सेप्टा बनाते हैं, ये रहा, आप लोग देख सकते हैं कैसे बनाते हैं। तो मुझे भी अच्छी तरह से नहीं आता, ये रहा मम्मी बनाया है इसके तरह। और खाने में तो मस्ट, मेरा फेवरेट है ये पाटी सेप्टा, क्या बताऊँ। और मम्मी के हाथ का तो कुछ चीज बनाने का अलग मजा है। तो इस तरह से पाटी सेप्टा बनाते हैं। कभी मैं डिटेल्स कैसा बना, मतलब किस तरह से चावल को घोलते हैं, क्या करते हैं, ये सब मैं डिटेल्स में कभी दिन में दिखाऊंगी, पॉसिबल हुआ तो दिखाऊंगी, क्योंकि हड़बड़ी में मम्मी भी आधा करके चला जाता है। तो वही हेलो गाइस, और मैं अभी बैठी हूँ और आज है नेक्स्ट डे, आप लोग से देख रहे हैं अंधेरा हो रहा था भैया। तो आज है नेक्स्ट डे और मैं कल काफ़ी देर हो चुका था बनाते बनाते, उसका बाद मुझे नींद भी लगा है। मम्मी बना रहा था, मैं देख रही थी, तो उस नींद लगने के बाद मैं उस लोगों में एंटी नहीं की हूँ। तो आज मैं, मुझे याद आया जो ब्लॉग को मैं एंटी नहीं की हूँ। तो चलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ। और आई होप आप सभी को अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो लोग नए हैं उन लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं कुछ नया और इंटरेस्टिंग ब्लॉग लेकर आऊँगी नेक्स्ट, तब तक आप लोग वेट कीजिए। और आज के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।